प्रधानमंत्री जी मोदी जी यात्रा का हिस्सा बनेंगे। अच्छा। आप समझो, हमारा दिल कह रहा है कि एक टाइम आएगा मोदी जी देखेंगे कि एक इंसान देश को बचाने के लिए इतना काम कर रहा है, तो क्यों ना हम उस इंसान का हिस्सा बन जाए। यात्रा में मोदी जी, योगी जी, ये सारे बीजेपी के बड़े बड़े नेता, हाँ ये सारे बड़े बड़े नेता राहुल गांधी का समर्थन करने आएंगे, और 2024 में मोदी जी खुद कुर्सी त्याग के बोलेंगे बेटा तू इसके काबिल था, मैं तो खामखा लोगों को बेवकूफ बना रहा था, तू ही बैठ जा, तेरे लिए हक है इस कुर्सी पे बैठने का, हमारा हक नहीं है, ना हमारी उम्र है, ना हमारा दिमाग चलता है, हमें तो जबान का भी नहीं पता रहता। मोदी जी किसको बोलेंगे कुर्सी पे बैठ जाओ? राहुल जी को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, ये होगा। और राहुल गांधी खड़े क्यों नहीं होंगे? जो देश में प्यार बांटने की बात करने वाला आदमी है उससे खड़ा होना तो हमारा फर्ज है। तो बात सुनो, वो तो धोतियां भी बांध के घूम रहे हैं भगवों की, आप समझो इस बात को। तो आप इन लोगों को ये उम्मीद मत करो, ये वो लोग हैं जो इशारों पे काम करने वाले लोग होते हैं। एक मेरी बात सुनो, जब एक बंदर नाचता है ना तो मदारी डुगडुगी बजाता है, और आज देश के अंदर एक मदारी है जो ऐसे बहुत सारे रवि किशन जैसे लोग हो गए, मनोज तिवारी जैसे लोग हो गए, जिनको नचाने का काम कर रहा है। हिंदू को अगर विरोध करने वाला होता तो वो हिंदू लड़की से शादी ना करता। आप समझो, वो गोरी खान का इस्तेमाल करके साइड फेंकता, पर उस इंसान ने साइड नहीं फेंका, उसको लेके गया मुंबई तक, उसे साथ चला, तो आज पूरी जिंदगी उसने अपनी सुरक्षा काट दी। तो ये कहने की बात है कि धर्म का विरोध है, फलाने का विरोध है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने रोटियां सेक रही अंधभक्त है। 500 वो एक मैसेज है, एक संदेश है कि तुमने जितना विरोध करना है कर लो। जो बाकी गल्फ कंट्रीज हैं या दुबई वगैरह के जो नेशंस हैं, मुस्लिम नेशंस हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो जितने सारे एक संगठन के लोग हैं, हम इस फिल्म के साथ खड़े हुए हैं, हम शाहरुख खान के साथ खड़े हुए हैं, हम देश के साथ खड़े हुए हैं, और हम भारत का भी समर्थन करते हैं। आज ये बहुत बुरा लगता है कि जो एक भारत का बेटा है, जो भारत की धरती पर जन्म लेने वाला एक इंसान है, जिसका आपको शायद इतिहास भी ना पता हो कि शाहरुख खान के जो नाना रहे हैं वो फौज में रहे हैं, आप समझो, जो एक क्रांतिकारी परिवार से बिलोंग करने वाला आदमी है, उस बंदे को तुम लोग ऐसे नीचा दिखा रहे हो। आप लोगों ने तो घरों में सिर्फ नफरतें मार दी, गले में गमछा डाल दिया भगवा कलर का, तो तुम अपने आप को देशभक्त मानने लग गए। तो जिस बंदे के घर के लोग क्रांतिकारी हैं, मेरी बात सुनो, जिस बंदे के लोग क्रांतिकारी हैं घर के, उस इंसान से आप बोलोगे? आप भाईचारे की बात करते हो, भाईचारा फैलाने वाला तो वही आदमी है, उसने तो शादी भी हिंदू लड़की से की, आप ये बताओ, और इज्जत से उसको आज तक रखा हुआ है अपनी जिंदगी में। तो आज सोचने की बात है कि जो बंदा हिंदू को अगर विरोध करने वाला होता तो वो हिंदू लड़की से शादी ना करता। आप समझो, वो गोरी खान का इस्तेमाल करके साइड फेंकता, और उस इंसान ने साइड नहीं फेंका, उसको लेके गया मुंबई तक, उसके साथ चला, तो आज पूरी जिंदगी उसने अपनी सुरक्षा काट दी। तो ये कहने की बात है कि धर्म का विरोध है, फलाने का विरोध है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने रोटियां सेक रही अंधभक्त है, 500 रुपए में भाड़े में बिकने वाले हैं। प्रदीप का पादुकोण ने जो बिकनी पहनी थी, भगवा का अपमान किया था, वो अपमान नहीं है। देखिए, जो बिकनी बनाने वाली कंपनी है उनको पकड़ो ना, आप काहे को उनको टारगेट कर रही हो? आज जो मार्केट में बिक रही है चीज, तो आदमी को जो कलर अच्छा लगेगा वो पहनेगा। आप मेरी बात समझो, जिस कंपनी में ये बन रही है, आज उन कंपनियों में भगवे रंग के कपड़े जाने बंद कर देने चाहिए कि भैया इसको बिकने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन अभी देखा नहीं आपने, गुजरात में कुछ समय पहले बजरंग दल वालों ने पठान मूवी के पोस्टर फाड़ दिए थे। हाँ, जो दल वाले हैं ना, वो तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, उनको तो मुद्दे चाहिए होते देश में, कैसे कौन से मुद्दे हैं मुसलमानों के खिलाफ, जिसको पकड़ करके देश में हम लोग जो है अपने भाईचारे को खत्म करें। तो बजरंग दल वालों की जो आप बात कर रहे हो, ये सिर्फ भाईचारा खत्म करने की बात करते हैं, और इनको होगा कुछ नहीं। ये मेरी बात सुनो, 1925 से आरएसएस बना हुआ है, आज हमारे देश के अंदर जो 1925 से आरएसएस का संगठन बना हुआ है, पर क्या हो पाया आप बताओ? कुछ हो पाया? कुछ हो पाया देश के अंदर? चाहे नफरतें बांटने से मुल्क नहीं चलते, आप मोहब्बत बांटो, प्यार बांटो, जब देश आगे बढ़ता है। हाँ, ये इनके दिमाग में खान है, आज इनको सुबह शाम उठते जागते, मेरी बात समझ लो, देश में ऐसे लोग नज़र आते हैं, शाहरुख खान जैसे, सलमान खान जैसे, आमिर खान जैसे, जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, आज जिनको विदेशों में लोग जानते सिर्फ भारत के नाम से, कि ये भारत के बंदे हैं, भारत के कलाकार हैं। तो जिन मुस्लिम लोगों ने आज मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनने वाले, शायद जो अपने मुस्कुराते हैं ना, जो आज मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने सुन के जो देशभक्ति के आज आगे बढ़ते हैं, उनको पता नहीं क्या मोहम्मद रफ़ी कौन है? वो भी तो मुसलमान है, पर आज उसको प्यार देने वाले हिंदू के घर भी हैं। देखिए, आज छोटी सी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ, हाँ, आपको पता है कि खुद आपकी एक फिल्म सिटी बना रहे हैं, हाँ, आप समझो, तो ये बायकट इसलिए तो हो रहा है कि मुंबई से सब कुछ खत्म हो जाए और हम अपने यहाँ पे हिंदू तत्व को आगे बढ़ाने वाली फिल्में बनाएंगे, समझो मेरी बात को। नेता तो और भी है ना, मोदी जी हैं और भी कई बड़े बड़े नेता, उनसे नहीं कहकर केवल योगी जी से ही क्यों कहा? क्योंकि उनकी पकड़ वहीं तक होगी, अगर उनकी पकड़ आगे तक होती तो वो आगे भी पहुंचा देते। जिस आदमी की जहाँ तक पकड़ होगी वो वहीं तक तो काम करेगा। तो ये सुनील रेड्डी की अपनी पकड़ और सोच की बात है, योगी जी के साथ उनकी अच्छी बनती होगी इसलिए उन्होंने वहाँ पे मैसेज दिया होगा, यह हो सकता है। अभी आपने देखा होगा मीर प्रेम रतन जो शाहरुख खान की है, जो देशी पीड़ित लोगों के बहुत मदद कर रहे हैं, उनका फोटो वीडियो वायरल हो रहा है, उसके लिए बायकॉट देने नहीं बोल रहे? देखिए, ऐसा है कि देश में जब कोई बंदा अच्छा काम करता है ना, उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो शाहरुख खान अच्छा काम कर रहा है, मैं अप्रिशिएट उसको हमेशा करेंगे। उसने बहुत सी अपनी एनजीओ के माध्यम से कोरोना के टाइम भी लोगों की मदद करी है। पर ये बायकॉट गैंग से हमें कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपने मुद्दे की बात ढूंढते हैं कि नफरत कैसे फैलाई जाए। सिर्फ अच्छे काम को अप्रिशिएट मत करो, नफरत फैलाने वाले काम करो। सिर्फ वहीं तक बोल सकते हैं, ये वहीं तक बोलेंगे जब देश के अंदर नफरतें बांटी जाती हैं।
ये देश के अंदर प्यार बांटने की बात नहीं कर सकते। चक्कू छुरी तेज करने से, मेरी बात सुन लो, चक्कू छुरी तेज करते देश तेज नहीं हो जाएगा, देश मजबूत नहीं हो जाएगा। आप लोगों को काटने मारने की बात करोगे तो इससे नफरत बढ़ेगी, भाईचारा खत्म होगा, प्यार का संदेश देश में जाना चाहिए। ऐसी नेताओं को जबान अपनी बोलनी चाहिए जिन नेताओं की जबान से सिर्फ नफरत बरसती हो। ऐसे नेताओं को तो देश के लोगों को बायकॉट करना चाहिए, उनके पुतले दहन करने चाहिए और एक मैसेज देना चाहिए कि हम आपके साथ नहीं खड़े हैं। सर वही नेता बायकॉट मूवी का ज्यादातर कर रहे हैं जिन्होंने खुद अपनी कहीं ना कहीं मूवी में भगवा कलर का यूज किया है, मनोज तिवारी या फिर रवि किशन। मेरी बात सुनो, वो तो धोतिया भी बांध के घूम रहे हैं भगवों की, आप समझो इस बात को। तो आप इन लोगों को ये उम्मीद मत करो, ये वो लोग हैं जो इशारों पे काम करने वाले लोग होते हैं। एक मेरी बात सुनो, जब एक बंदर नाचता है ना तो मदारी डुगडुगी बजाता है। हाँ। और आज देश के अंदर एक मदारी है जो ऐसे बहुत सारे रवि किशन जैसे लोग हो गए, मनोज तिवारी जैसे लोग हो गए जिनको नचाने का काम कर रहा है। सांसद है वो एक जगह के, नहीं नहीं सांसद ऐसे काम नहीं करते। मेरी बात सुनो, सांसद ऐसे काम नहीं करते। आज देश का सांसद को ये शोभा नहीं रहता कि वो देश में नफरत बांटने का काम करे, तिरंगे का अपमान करे। मनोज तिवारी की मैं आपको एक वीडियो दिखा दूंगा, एक फोटो दिखा दूंगा कि उनकी जिप्सी के ऊपर तिरंगा पड़ा, उसके ऊपर लोग बैठे और वो अपने प्रचार में निकले हुए हैं। तो ऐसे लोगों से आप उम्मीद करोगे? ऐसे लोगों का विरोध क्यों नहीं होता, क्यों नहीं जनता जागती? अरे हिंदू संगठन के लोगों से भी कहता हूं, क्या तुम्हें तिरंगे का अपमान सहन होता है? अगर तुम्हें भगवे का अपमान सहन नहीं हो रहा तो आप मनोज तिवारी का बायकॉट करो जो तिरंगे का भी अपमान कर रहा है और भगवे का भी अपमान कर रहा है, तो ये चीज सोचने की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मूवी अब गुजरात में जो रिलीज होने पर है कहीं ना कहीं उस पर जंग छिड़ गई है। देखिए गुजरात में कुछ भी होता रहे, विदेशी मुल्कों में ये फिल्म इतना पैसा कमा जाएगी कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली इसको देखेंगे, ये देखने के लिए कि साला इस फिल्म में ऐसा कहता तो इतनी सुपरहिट हो गई। अच्छा, हाँ मतलब आप देखने जाएंगे पठान मूवी? जी बिल्कुल जाएंगे, समय मिला नहीं मिला तो नहीं जाएंगे। अच्छा। हमारे को तो मैटर ही नहीं है, हम ना तो शाहरुख खान के साथ खड़े हैं, सुन लो, ना मूवी के साथ खड़े हैं। हम सिर्फ, मेरी बात सुन लो, हम सिर्फ वहाँ खड़े जहाँ पे सच है। और राहुल गांधी खड़े क्यों नहीं होंगे? जो देश में प्यार बांटने की बात करने वाला आदमी है उसके साथ खड़ा होना तो हमारा फर्ज है, सब कुछ है जी। आज एक फिल्म बनती है तो वो कभी नफरत बांटने के लिए नहीं बनती। शाहरुख खान का दूध पीता बच्चा, उसको नहीं पता कि आज जो जिस देश में बहुसंख्यक आबादी जो 80 करोड़ की है उस देश में अगर मैं हिंदुओं के खिलाफ की फिल्म बनाऊंगा तो वो चलेगी नहीं, उसको नहीं पता। और पहली बार वो ऐसा काम क्यों करेगा? हाँ। तो वो ऐसा काम क्यों करेगा? वो देश जो ही थोड़ी ना भाई, तिरंगे के सम्मान में सर झुकाने वाले लोग हैं वो लोग, ये चीज सोचने की बात है। आपने पगड़ी बांधी है, अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी की एक फोटो बड़ा ज्यादा वायरल हो रही थी पगड़ी वाली, कहा जा रहा था राहुल गांधी को कलरों का ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? केसरी रंग की पगड़ी पहनी है उन्होंने। हाँ। जो केसरी रंग की पगड़ी पहनी है वो किस लिए पहनी है? हाँ। वो केसरी जो है वो सिखों का कलर है। हाँ। आज हमारे देश के अंदर गले के अंदर हम लोग गुरुद्वारे में जाते हैं। हाँ। तो आज हमारे भी गले में केसरी होता है। हाँ। तो आप ये मत सोचो, मेरी बात सुनो, आप ये मत सोचो ये इनको पता होगा शायद भाजपा वालों को, शायद इनको पता होगा कि भाजपा वालों केसरी रंग की धोतियां बनाओ, केसरी रंग की लंगोटे बनाओ और पहन लो, ये इनको पता होगा। हमें तो इतना पता है कि केसरी को सर पे जगह देनी होती है और हम हमेशा देते आए हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी जो कश्मीर जा रहे हैं तो उन्हें उससे पहले मोदी जी को धन्यवाद बोलना चाहिए। मोदी जी को धन्यवाद तो बोलना नहीं चाहिए, मोदी जी साथ चलते नजर आएंगे आपको कश्मीर में। कहना क्या, मोदी जी यात्रा का हिस्सा बनेंगे। अच्छा। आप समझो, हमारा दिल कह रहा है। हाँ। कि एक टाइम आएगा मोदी जी देखेंगे कि एक इंसान देश को बचाने के लिए इतना काम कर रहा है। हाँ। तो क्यों ना हम उस इंसान का हिस्सा बन जाएं। अच्छा। तो आपको नजर आएगा यात्रा में मोदी जी, योगी जी, ये सारे बीजेपी के बड़े बड़े नेता, हाँ ये सारे बड़े बड़े नेता राहुल गांधी का समर्थन करने आएंगे। और 2024 में मोदी जी खुद कुर्सी त्याग के बोलेंगे, बेटा तू इसके काबिल था, मैं तो खामा खाम लोगों को बेवकूफ बना रहा था, अब तू ही बैठ जा, तेरे लिए हक है इस कुर्सी पे बैठने का। हमारा हक नहीं है, ना हमारी उम्र है, ना हमारा दिमाग चलता है, हमें तो जबान का भी नहीं पता रहता। मोदी जी किसको बोलेंगे कुर्सी पे बैठ जा? राहुल जी को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। और ये होगा, इसका मतलब ये है कि सरेंडर कर देंगे वो। अच्छा, 2024 में इलेक्शन, मेरे को नहीं लगता कि आज बीजेपी वाले जो है वो मोदी के नाम पे लड़ेंगे, मुझे नहीं।